हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ लली फेन क्रीम की। इसको लुरिकोलाजोन क्रीम भी कहते हैं। ये एक एंटी फंगल क्रीम है। आज के वीडियो में क्रीम के बारे में डिटेल में रिव्यू करूंगी। इसके फायदे, नुकसान कब और कैसे यूज करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंचे रहे। गाइज, लली फेन क्रीम में एक बहुत ही अच्छी एंटी फंगल क्रीम है। ये 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 50 ग्राम की पैकेजिंग में मिल जाती है। 20 ग्राम का प्राइस है 299 रुपीज़। ये क्रीम को आप किसी भी टाइप की फंगल इन्फेक्शन होने से या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक्जिमा, सोराइसिस, स्कैल्प सोराइसिस, कहीं पर भी इचिनेस की प्रॉब्लम हो, दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम हो, पैरों में इन्फेक्शन हो, पैरों की उंगलियों पर खुजली हो रही हो, किसी भी टाइप का स्किन पर इन्फेक्शन हो, रिंग वॉर्म हो, फ्लैकी ड्राई स्किन हो, उसके लिए ये क्रीम काफ़ी इफेक्टिव है। लुरिकोलाजोन बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता, ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। आपको किसी भी तरह का स्किन एलर्जी हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। गाइज, कई लोग ये क्रीम को अपने फेस पर पिंपल्स के लिए यूज़ करते हैं, फेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं, उनको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन गाइज, ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। ये एंटी फंगल क्रीम है जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। 2 से 3 दिनों में इसका रिजल्ट दिखने लगता है। इसे आपको दिन में 2 बार यूज करना है। पहले वो एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेना है, उसके बाद सफिशियंट अमाउंट लेके ये क्रीम को लेके ओनली अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद हाथ को जरूर वॉश कर लेना है। गाइज, तब तक आप यूज़ कर सकते हो जब तक आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता है। साइड इफेक्ट बात करें तो स्किन ड्राई हो सकती है, स्किन पर खिंचाव महसूस हो सकता है, स्किन पीलिंग हो सकती है। तो गाइज, ये क्रीम एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। इसको यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए, खासतौर पर प्रेग्नेंट लेडीज हो या लैक्टेटिंग मदर हो। डॉक्टर से बिना पूछे ये क्रीम को यूज़ नहीं करना है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी रिव्यू से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।